चंबा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पवन नैयर ने चंबा के बीआरसी कार्यालय में अपनी टीम के साथ धावा बोला। गौरतलब है कि पूर्व विधायक को ये सूचना मिली थी कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में छपे स्कूल बैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तस्वीर के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की फोटो का स्टीकर लगाकर बच्चों को दिए जा रहे हैं, जिसके बाद पूर्व विधायक ने बीआरसी कार्यालय के अधिकारियों के सामने इस विषय पर रोष जाहिर किया। पूर्व विधायक पवन नैयर का कहना है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की फोटो का स्टीकर लगाना भी था तो बैग में पहले से छपे प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो के ऊपर नहीं लगना चाहिए था। विधायक ने उपायुक्त के सामने भी इस मामले का विरोध जाहिर किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन नैयर ने कहा कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य कर रही है और जिला में कई सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें तबादले की धमकी दी जा रही है। वहीं इस दौरान उन्होंने वर्तमान विधायक नीरज नैयर पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 3 महीने में एक भी काम करने में विधायक विफल रहे हैं। आज मुझे सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को फोन आया था कि चंबा में ऐसे जो इन्होंने बैग दिए स्कूल में बच्चों के लिए, उसमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की फ़ोटो लगी थी, क्योंकि ये बैग जो उनके टाइमली स्कूलों में दिए गए। और उन्होंने ये कहा कि इसमें डायरेक्टर ऑफिस से कुछ स्टिकर आए हुए, इन्होंने उनके ऊपर स्टिकर लगा दिए। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो के ऊपर भी स्टिकर लगा दिए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी उनकी फ़ोटो लग जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है अभी मुख्यमंत्री वो, परंतु किसी के फोटो के ऊपर जो है स्टिकर लगाना, ये बड़ी गलत है। वो भी हमारे जो भारतवर्ष के जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की फ़ोटो के, तो आज हम ऊपर गए, हमने रंगे हाथों इनको पकड़ा, बैग जो लोड हो रहे थे हमने बैग को वहाँ गाड़ी से उतारा और चेक किया। हमने आपको उनकी फ़ोटो भी बताई कि कैसे स्टिकर ऊपर लगे हुए हैं, किसने स्टिकर दिए। मैंने डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस पता किया, उन्होंने कहा कि ऊपर से हमें स्टिकर आए थे कि बैग के ऊपर लगा दिए। मैंने कहा ये ऐसे ऑर्डर हैं कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो के ऊपर स्टिकर लगाओ, ऐसे ये वो चुप हो गए। तो ऐसी ऐसी अच्छी हरकतें जो हैं ये लोग कर रहे हैं, मैं अभी चुप हूँ। अगर किसी ने भी किसी बुजुर्ग की ट्रांसफ़र किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको जहाँ से वो लगे थे वहीं पर आ जाए। अभी उन्होंने हमारी ट्रांसफ़र कर दी, कई हमारे बेचारे उनको कह रहे हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, नहीं तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चलो ट्रांसफ़र हो तो ठीक है, पर मजदूरों की ट्रांसफ़र तो मत ना करो। मुझे सारा पता है, हर एक चीज़ का पता है सारा। चंबा में 3 महीने हो गए हैं, मेरे को आप बताओ एक काम बता दो कोई चंबा विधानसभा क्षेत्र में, एक भी काम। ये तो जैसे लावारस कंस्टिट्यूंसी हो गई है सर, कोई काम नहीं है चंबा विधान। अब देखो हमारी जितने भी सब डिवीजन था इसका आईपीएच का, सौ में थी हमारी सब तहसील थी। मैं तो मान गया जो स्पीकर साहब हमारे, इनका डिवीजन क्या था, उन्होंने वापस करा दिया। बुटेल जी ने करा लिया, केवल सिंह पठानी ने वापस करा दिया। ये हमारे मेरे जो हमारे स्थानीय विधायक है नीरज नैयर जी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये जो सब डिवीजन है आप माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो सब डिवीजन की बहुत ज़रूरत है और जो ये सब तहसील साहब की बहुत ज़रूरत है। मैं तो बड़ा ये भी हूँ कि चंबा को लोग सुना आपने कभी, हॉस्पिटल देख लो आप क्या हाल है हॉस्पिटल का। जब हमारे टाइम थे तब रोज ये करते थे, चलो हम डॉक्टर नहीं ला सके, हम हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकते, लोगों ने हमको हरा दिया। अब आप करो ना, अब आपको किसने रोका हुआ, आपको आप भी करो। आप